मेरा नाम सोनाली रायकर हूँ। मैं गोवा से आई हूँ और मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ का परिसर, इतना का थेरेपी ट्रीटमेंट इतना अच्छा है, पूछो मत। और मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हुए थे दो, एक 10 mm और 11 mm का स्टोन्स थे दो। और मुझे डॉक्टर ने बोला था मणिपाल हॉस्पिटल में कि उसको सर्जरी होना चाहिए और उसका कोई भी इलाज नहीं है, वो आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा। लेकिन बाद में मुझे बाबा जी से इतना फेथ था कि मैं पतंजलि डॉक्टर से मिले पणजी में, जो है उनका कंसल्टिंग, और 4 महीने के ट्रीटमेंट से मेरा दोनों गॉल ब्लैडर का स्टोन एकदम 2 mm और 1 ऐसा आ गया है अल्ट्रासाउंड करके। यहाँ आने से पहले मैंने जस्ट अल्ट्रासाउंड किया तो इसका परिणाम ये निकला, सिर्फ थोड़ा सा बचा है। तो मैं ये इस माध्यम से बोलना चाहती हूँ सब लोगों को कि आप प्लीज़ सर्जरी मत कीजिए। गॉल ब्लैडर डिजॉल्व होता है। प्लीज़ आप सर्जरी मत कीजिए, आप डॉक्टर के से मत जाइए। वो मैं उदाहरण हूँ और मैंने ये अनुभव से मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ। मैंने थायराइड भी क्योर किया है, मैं पहले एलोपैथी की लेती थी लेकिन अभी मैं सब कुछ बंद करके योगा करके मैं अभी थायराइड ग्रिल ले रही हूँ और मैं बिल्कुल अभी 1 बरस से मैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं इंदौर से बसंत बाहेती, 2009 से मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। जब तक बीमारी डायग्नोसिस हुई तब तक मैं पूरा बेड पे हो चुका था। 3 साल तक मैं लगातार बेड पे रहने के बाद में योगा नहीं कर पा रहा था और मैंने एक्वा एक्सरसाइज चालू करी, स्विमिंग पूल में योगा करना शुरू किया, वहाँ से धीरे धीरे रिकवर हुआ। फिर मैंने नेचुरोपैथी कराई, नेचुरोपैथी के बाद में धीरे धीरे मैं योगा रेगुलर करने लगा। आज मैं लगभग कंप्लीट ठीक हो चुका हूं और रोज़ मैं 3 से 4 घंटा टेबल टेनिस खेलने की स्थिति में आ गया हूं। ये पूरा जो मुझे लाभ हुआ वो योगा की वजह से हुआ। मुझे लगता है ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको योगा या नेचुरोपैथी ठीक नहीं कर सके। मेरा नाम पायल पाटिल है, मैं मलकापुर महाराष्ट्र से हूँ। मुझे 3 साल से डायबिटीज़ है पर मुझे इंसुलिन भी चल रहा था, सुबह 10 यूनिट, दोपहर को 10 यूनिट, रात को 19 यूनिट लेती थी मैं। दिन भर इंसुलिन लेती थी पर अभी यहाँ पे आके मुझे एक दिन में मेरा यूनिट हाफ हो गया, मतलब आधा हुआ, और सेकंड डे से मेरा इंसुलिन पूरा बंद हो गया है। और मैंने जब शुगर चेक की तो तब नॉर्मल है। अभी मेरा 3rd डे है यहाँ पे, आज यहाँ के थेरेपी से, यहाँ के योगा से मुझे काफ़ी आराम मिला है और मेरा इंसुलिन भी पूरा बंद हो गया है। और मतलब यहाँ का नेचर या बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी आराम मिला है। मेरा नाम जसनीत है और ये मेरे ब्रदर हैं साथ में, पुष्पिंदर सिंह। हम आए हैं दिल्ली से और हम दोनों आए थे स्पेशली वेट लॉस के लिए, और इनको शिकायत थी बैक पेन की मेरे को प्रॉब्लम थी। और वेट में तो स्पेशली जिस मेन चीज़ के लिए हम आए थे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। मेरा 4.5 किलो लूज़ हुआ है वेट, आज मेरा 6वां दिन है, बट मेरा अभी तक 4.5 किलो वेट कम हो चुका है, जो घर पे बिल्कुल नहीं होता, बट यहाँ पर विद प्रॉपर डाइट एंड डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन ऑन परफेक्ट थेरेपीज़ के साथ वेट अच्छी तरीके से डाउन हुआ है। एंड इनका भी, मेरा भी वेट 5 kgs डाउन हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे सब बहुत अच्छा लगा है, मतलब जैसे थेरेपीज़ बहुत अच्छी हैं, यूनिक हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही हैं थेरेपी सारी। एंड फीमेल थेरेपी सेंटर स्पेशली उसमें कुछ लोग हैं, जैसे वर्षा मैम है जो अनीमा देते हैं, शी इज़ वेरी गुड, बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं पेशेंट्स को। और साथ में एक ललिता करके मैम है कुछ रूम नंबर 515 में, जो वाइब्रो मसाज देते हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो बेसिकली ओवरऑल सब बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत कम्फर्ट किया हमें, बहुत आरामदायक
मतलब हमें हमारा ये 6 दिन कैसे निकल गए हमें नहीं पता लगा। एंड शुरू शुरू में थोड़ा सा हमें दिक्कत आई क्योंकि डाइट टाइम लग गया था हमें थोड़ा सा डाइट वगैरह फॉलो करना, क्योंकि इतना रूटीन नहीं रहता, घर पे जंक खा लिया वो खा लिया, बट यहाँ पर प्रॉपर डाइट एंड डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन एंड स्पेशली थेरेपीज वगैरह फॉलो करना, रूटीन दिनचर्या पूरा दिन का आना जाना, पूरा दिन कैसे शुरू होता है कैसे ख़त्म होता है हमें पता ही नहीं लगता था। तो बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू पतंजलि एंड थैंक यू टू एवरीबडी ऑल द स्टाफ मेम्बर्स, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वॉज फैबुलस एंड बाबा रामदेव थैंक यू सो मच। मैं रघुबीर सिंह सरोहा गुरुग्राम हरियाणा से आया हूँ। मैं माइग्रेन पेन का बहुत ही पीड़ित रहा हूँ और उसके साथ साथ सर्वाइकल पेन है और कुछ यूरिया वगैरह की प्रॉब्लम, कटिनाइन की प्रॉब्लम साथ साथ थी। मैंने वो आरंभ की, डॉक्टर पीयूष शर्मा ने मुझे दवाइयाँ रिकमेंड की, सुजेस्ट की, प्रिस्क्राइब किए, जितनी भी अपनी प्रक्रियाएं जलसूती वगैरह वगैरह ये करवा करके और हम एमटीसी में इलाज के लिए एंट्री हो जाते थे। मैं एंट्री की सर्विसेज को जैसे फुल बॉडी मैसेज हैं, आपके नाभि की देखरेख है, उसमें ऑयलिंग है और आपके सिरोधारा बहुत अच्छी जो मुझे लगी है सिरोधारा, उसकी मैं बहुत अच्छी रिकमेंड करता हूँ कि दैट इज़ ए गुड ट्रीटमेंट गिवन टू मी। और जितना वहाँ स्टाफ है उसके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि जितनी सर्विसेज वो आज दे रहे हैं वो काफ़ी प्रेजवर्दी है और फुल्ली रेगुलर मुझे वो मिले हैं, कोई ऐसा इधर उधर जाने की बात नहीं मिले। और उनको अच्छा एक ट्रेंड, मैं कहता हूँ ट्रेंड स्टाफ को काम करता है जो अपने कंप्लीशन ऑफ वर्क और देयर गिवन वर्क दे सर्व टू द बेस्ट ऑफ सर्विसेज टू द पेशेंट। हमें पता नहीं था स्वामी जी के यहाँ इतना अच्छा इलाज होता है। हम पहली बार आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मेरा नाम ज्ञानती है और यहाँ पर कमर में मेरे को पेन था 3 साल से। मैं यहाँ आई और सिंगिंग करवाई हूँ, उसी टाइम से मेरे को कमर के दर्द, मतलब क्या बताऊँ, मेरे को लग रहा था मतलब क्या हो गया है कि उसी टाइम से बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरा, सिंगिंग लगवाते ख़त्म हो गया मेरे को। मैं वजन के लिए आई थी, मेरा वजन भी कम हो गया है, पेट के लिए आई थी मैंने। और पता नहीं हम लोग कहाँ थे इतने साल से, हमने कभी भी नहीं आए, लेकिन यहाँ सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने में, सुनने में आने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर ज़रूर एक बार हर किसी को आना चाहिए। अब तो हम आएंगे यहाँ पर और किसी को भी लेके आएंगे हम, और यहाँ पर फ़ायदा ही है। लेकिन और यहाँ पर तो मतलब कोई भी बीमारी का हर चीज़ का इलाज है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो मतलब डॉक्टर भी है चाहे जो और सब है, हमने वो करवाए, पोटली करवाए हमने, इतना अच्छा लगा हमें पोटली करवा करके, हमें तो लग रहा है कि हम यहीं रह जाए। और बस यही है कि मैं स्वामी जी के मैं आभार हूँ। मेरे को तो ऐसा था, मैं ऐसे परेशान हो गई थी मैं कि सर में भी दर्द होता था, बीपी शुगर भी था। जब से 1 हफ्ता हो गया मेरे को आए हुए और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा, नहीं बीपी है नहीं शुगर, मेडिसिन मतलब सुबह भी खाती थी, लंच में, शाम को भी, पूरे दिन उसी में लगी रहती थी मैं। यहाँ पर एक मेडिसिन भी नहीं खाई हूँ मैं। और स्वामी जी भी मेरे से मिले, बहुत अच्छा लगा मिल करके यहाँ पर। और यहाँ पर हर किसी को आना चाहिए, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। एक बार आओ, अगर विश्वास नहीं हो तो एक बार हर कोई आए यहाँ पर, आ करके देखो क्या है कैसा है। मेरा नाम बुक्कन सिंह, पिंड सदमा दोना, जिला कपूरथला, पंजाब। मैं अपने पोत्या नू इत्थे लै के आया सीगा ट्रीटमेंट लई, वो दिमागी कमजोर, उन्हां लई थैरेपियां एपोसिएशन बहुत कुछ उसके लिए इतने करवाया है। बाकी इससे दा आवा बहुत बढ़िया है, पौन पानी इधर के लोग बहुत पसंद करते, फिर काम करते, हरेक जी बोलते, हरेक की सहायता करने की कोशिश करते। हम तो इधर आके बहुत खुश होए हैं, जो उस किया है उसने अच्छा किया है। बाकी परमात्मा का काम है, ये लोग काम जो करते अच्छा करते, सभी से व्यवहार अच्छा करते। इधर से जो भी बोलता जी साहब बोलता है, हमें तो इतना प्यार दिया है, इतना तो गांव में नहीं मिलता जितना इधर मिलो मुझे प्यार मिला है। मेरा नाम मंजीत सप्रा है, मैं बॉम्बे से आई हूँ।
मैं अपने हस्बैंड को स्वामी जी को दिखाने आई थी यहाँ पर, तो इनको हाथों में क्रैम्स आते थे और लिखने में दिक्कत होती थी, तो यहाँ का दवाई लेके इनको काफ़ी आराम आ गया है। अभी हाथों का दर्द चला गया और क्रैम्स भी ठीक हो गए हैं। अभी हम दूसरी और कोई तकलीफ़ों के लिए यहाँ आए हैं, तो स्वामी जी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं गाजीपुर ज़िले के उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं अपने बेटे का इलाज कराने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे को सोराइसिस है, पैर में भी है और बहुत इलाज किया नहीं ठीक हुआ। स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ इनको आराम हुआ है। खान पान में बहुत ही परहेज होने के कारण स्वामी जी का आदेश है कि यही मैं करूँगा, उनके आदेशों का पालन करूँगा। मैं इंद्र बहादुर यादव ने मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ मुझे रह करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। बीपी का प्रॉब्लम था, बीपी कुछ नॉर्मल हुआ। पाइल्स का प्रॉब्लम था, पाइल्स भी नॉर्मल हुआ। सिरोधारा जो है थेरेपी बहुत अच्छी मुझे लगी जो है, वो मसाज बहुत अच्छा लगा जो है, और योगा आसन वगैरह किया बहुत अच्छा लगा स्वामी जी के सानिध्य में रह करके। मेरा नाम अपूर्वा सिंह है, मैं पटना बिहार से आई हूँ। मुझे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी, अभी भी है। डॉक्टर ने 2 महीने बाद फिर से बुलाया ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन यहाँ मेरी थेरेपीज चली और मुझे योगा सिखाया गया है और मेरे डाइट में और लाइफ स्टाइल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, उसकी वजह से बहुत राहत है। जितना भी पहले से दर्द था वो अब कम है धीरे धीरे। डॉक्टर ने कहा है कि इसे घर जाके फॉलो करना है और मुझे राहत होगी। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, मेरा नाम सुशील बाउट, मेरा लड़का का नाम तन्मय बाउट। इनका मेमोरी लॉस का बीमारी था, पहले कुछ बता नहीं पा रहे थे ठीक से। अभी 10 दिन यहाँ ट्रीटमेंट करके जा रहा हूँ, पहले से बहुत ही अच्छा है। अभी बात वगैरह कर रहा और हम लोगों से भी बात कर रहा, बहुत अच्छा था, अच्छा है अभी। मेरा नाम अनिल भारद्वाज है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ, बहादुरगढ़ हरियाणा से। जब यहाँ आया था मुझे कमर दर्द और पेट में दर्द की और पेट में गैस की शिकायत थी। यहाँ मैं 1 वीक के लिए रहा, उसमें जो मेरे जो भी ट्रीटमेंट हुए उससे मेरे को गैस और बैक पेन दोनों में रिलीफ है, अराउंड 50% रिलीफ है। मैं इसको रिकमेंड करूँगा बाकी पेशेंट्स के लिए भी कि उनको यहाँ पर एक बार आना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट कर सके। मेरा नाम महेश यादव है, मैं नेपाल से हूँ, सप्तरी डिस्ट्रिक्ट सिटी राजविरा से। मैं यहाँ पर डायबिटीज़ और थायराइड को का इलाज करवाने के लिए आया था। लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर जो डाइट प्लान है, ट्रीटमेंट प्लान है, वो हमको डिफरेंट लगा और जगह से अच्छा लगा। उसी हिसाब से वो सब फॉलो करते हुए बॉडी में कुछ चेंजेस हमने पाए हैं, सुधार हुआ है, इम्प्रूव्ड हुआ है। थेरेपी और यहाँ का सब 1 से 1 है, सब अच्छा है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक का जो कंप्लीट प्लान है सब हमको अच्छा लगा। एक रिफ्रेशमेंट सर्विसिंग टाइप का हुआ है बॉडी का। और यहाँ से अब जाने के बाद हम यही फॉलो करना चाहेंगे। मेरा नाम अंजनी कुमार यादव, मैं नेपाल से हूँ, सप्तरी। और मेरा समस्या, मैं यहाँ इलाज पहले भी उधर भी कराए थे और उधर से क्लियर नहीं होने के बाद मैं जो यहाँ पतंजलि का सुना तो मुझे नस का समस्या था। मैं आज 4-5 रोज हो गया, हमको इस 5 दिन में बहुत कुछ आराम हुआ है और 2 महीने का दवा दी गई है। अब 2 महीना दवा खाने के बाद फिर संपर्क दी गई है, उस संपर्क पे डॉक्टर साहब ने बोला है फिर संपर्क करो, लेकिन यहाँ का सब सुविधा संपन्न, फिजियो
सब बहुत अच्छा है। मेरा नाम चिन्मय मित्तल है, मैं खुरई मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे 2010 से सिज़ोफ्रेनिया था। यहाँ आके मैंने घर पे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, उससे मेरा 90% सिज़ोफ्रेनिया ठीक हो गया है। अभी मैं यहाँ पर योग ग्राम में उसको पूरा ठीक करने के लिए आया था, जहाँ पर मुझे अलग अलग थेरेपीज़ मिली, हेड पैक, शिरोधारा, गरम ठंडा सिकाई, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और मैंने मुझे दवाई भी बहुत अच्छी दी गई है आयुर्वेदिक। मैं यहाँ पर बाबा जी से भी 2-3 बार मिल चुका हूँ। उन्होंने मुझे अनुलोम विलोम के साथ साथ दंड बैठक और भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए भी कहा था। यहाँ का डाइट प्लान से मेरा 2-3 किलो तक वज़न भी कम हो गया है 7 दिन में। हमारा नाम रीता सिंह है, हम इलाहाबाद से आए हैं। हमको कमर दर्द की बहुत दिक्कत थी, हम चलने फिरने के लिए बिल्कुल असहाय थे। फिर यहाँ आकर हमने 7 दिन रुककर योगा किया, थेरेपीज़ ली, उसके बाद जो है श्रृंगी लगवाई, अब हमको बहुत आराम है। मैं कैलाशपुरी कॉलोनी मुगल सराय से आई हूँ। मेरा नाम मीरा देवी है। यहाँ पे 6 रोज की थेरेपी लिए हैं और उसमें मुझे थोड़ा हल्का आराम मिला है पैर में। सिंगिंग करवाए हैं, उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ है, कुछ आराम हमको दिखा है। और मेरी ये बीमारी 20 साल की है। मेरा नाम अनुश्री ताजपुरिया है, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे करीबन 4-4.5 साल पहले कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, जिसका मैंने वहीं पे सर्जरी कराई थी, कीमोथेरेपी कराई थी, रेडिएशन थेरेपी कराई थी। उसके धीरे धीरे मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे, जो भी मेरा इलाज हुआ उसके मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए। मेरा स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हुई, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम हो गई, मेरी वेंस धीरे धीरे ब्लॉक होने लगी शरीर की, वेरिकोज वेंस हो गया, गले में पूरा थ्रोम्बोस्ट वेंस जिसको बोलते हैं थ्रोट में, वो हो गया। प्लस मुझे यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, मंथली पीरियड्स में दिक्कत होने लगी, एडेनोमाइसिस करके एक डिज़ीज़ होती है यूट्रस की, वो हो गया। छोटी छोटी दिक्कतें धीरे धीरे मेरे सामने आने लगी। मैं दोबारा से वो नहीं करना चाहती थी कि मैं फिर से अपना कुछ सर्जरी कराऊं या ऑपरेशन कराऊं। मैं उस चीज़ को अब फेस नहीं कर सकती थी, साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी मैं अब इतनी फिट नहीं थी कि मैं एक सुई भी अपने शरीर में लगवा पाऊँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मेरे माता पिता ने, जो पिछले 25-30 साल से स्वामी जी को फॉलो कर रहे हैं चैनल के थ्रू, उनके गाइडेंस से वो मुझे यहाँ लेकर आए हरिद्वार। मैं पिछले 5-6 दिन से अपना यहाँ इलाज करा रही हूँ। मैंने अपनी सारी चीज़ों का यहाँ इलाज कराया, स्पाइनल कॉर्ड का, जो भी मेरे को साइड इफ़ेक्ट्स हुए कीमोथेरेपी के, मैंने उसके सारे इलाज कराए। इसमें हमारा यूट्रस भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी, वेरिकोज वेंस भी, एडेनोमाइसिस भी, सब इसमें आ गया। और जो भी मेरा यहाँ के वैद्य जी ने, डॉक्टर ने प्लानिंग की थी कि इनकी हर एक डिज़ीज़ की हर एक थेरेपी मुझे बहुत अच्छे से दी गई है, और जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और स्पाइनल कॉर्ड का आराम तो मुझे तुरंत 2 दिन में इफ़ेक्ट हो गया था, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं पिछले 1 हफ्ते पहले तक जब सोने जाती थी रात को, तो 5 मिनट भी सीधा नहीं सो पाती थी। मुझे हर एक मिनट में और कुछ सेकंड्स में करवटें बदलना पड़ता था, जिस कारण मेरी नींद भी बहुत इफ़ेक्ट होती थी और मैं सही से सो नहीं पाती थी, तो इंसोमनिया भी हो गया था मुझे। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो भी मुझे यहाँ ट्रीटमेंट मिला, फिजियोथेरेपी मिली, एक्यूप्रेशर हुआ और पोटली थेरेपी जो भी हुई मेरी, मड ट्रीटमेंट हुआ, उससे मैं अभी 3 रात से 10 मिनट एटलीस्ट सो पाती हूँ स्ट्रेट, बिना अब करवट लिए। और मुझे लगता है कि इस आगे भी मुझे, अगर मैं ये चीज़ फॉलो करूँगी, तो मुझे और आराम मिलेगा। जैसे मैं पहले सोती थी वैसे मैं सो सकती हूँ, मेरी नींद इसमें गड़बड़ नहीं होगी, मैं एकदम चैन की नींद सो पाऊँगी, तो मेरे शरीर को और भी आराम मिलेगा। तो मैं यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ मेरी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, मैं उनको कहाँ छोड़ के जाती, मैं मुंबई से हूँ, न्यूट्रल फैमिली है हमारी, हम उनको कहाँ छोड़ते। तो बच्चों की भी यहाँ व्यवस्था है बहुत अच्छी और सेफ़ है, बच्चों के लिए भी सेफ़ है और हम फीमेल्स के लिए भी बहुत सेफ़ है। क्लीनलीनेस है, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं,
सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, चाहे कैंटीन का हो, भोजनालय का हो, थेरेपिस्ट हो। दीदी लोग के लिए तो मैं स्पेशल फीडबैक देना चाहूँगी, वो बहुत मेहनती लड़कियाँ हैं, बहुत स्वामी जी के गाइडेंस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत मेहनत से थेरेपीज करती हैं, समय लेके करती हैं और सही गाइडेंस देती हैं। उनको मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी मैं, कितना भी बोलूँ कम है, स्वामी जी के लिए और आचार्य जी के लिए जिन्होंने ये सब इतना बड़ा खोला है और हम जैसे लोगों की काफ़ी मदद की है। मेरा नाम प्रेमा सिंह है और मैं दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा से आई हूँ और मैं आई थी अपनी बेटी के इलाज के लिए, पर मैंने भी अपना इलाज कराया तो मेरे कमर में पेन और कंधे में पेन था, तो थेरेपी कराया। यहाँ की थेरेपी बहुत अच्छी है, जितनी भी थेरेपी हैं बहुत अच्छी हैं, सारी थेरेपी अच्छी है, यहाँ के सिस्टर भी अच्छे हैं और यहाँ का खाना पीना रहना सब अच्छा है। मेरा नाम दरगाराम मेगाराम चौधरी है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं पतंजलि वेलनेस में ये सेकंड टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं जनवरी में भी आके गया था। जब जनवरी में आया था उस टाइम मैं खाली 3 दिन ही रहा था, तो 3 दिन में मुझे इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, मेरे को थोड़ा अर्जेंट भी था। ये सेकंड टाइम मैं अभी आया 7 दिन के ट्रीटमेंट के लिए। मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा ऐसा हाइपर टेंशन टाइप है और कफ और कोल्ड रहता है, ठीक है। मुझे यहाँ का ट्रीटमेंट में स्ट्रीम, शिरोधारा और यहाँ का वातावरण सबसे अच्छा लगा। वातावरण के हिसाब से सारी आधी बीमारी तो दूर हो गई और वातावरण के साथ साथ में यहाँ जो 4 टाइप के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, दवाई का, थेरेपी का, योगा का और मेडिसिन का, ये चारों का जो कॉम्बिनेशंस जो परफेक्ट पेशेंट्स के ऊपर जो बैठ रहा है, वो सबसे बहुत, ये पूरे वर्ल्ड में इस टाइप का ट्रीटमेंट किसी के पास नहीं है। मेरा नाम सविता सिंह है, मैं झारखंड से आई हूँ, रांची से। मेरा ज्वाइंट घुटने में दर्द थी इसलिए मैं सिंघी उंघी लगाए, बिल्कुल ठीक हो गया है। और मेरा शुगर भी था, शुगर भी पूरा नॉर्मल हो गया। यहाँ खान पीन भी सब अच्छा है, यहाँ के स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा से मसाज वसाज किए, योगा वोगा भी किए, पूरा स्वस्थ हो गए। मेरा वेट भी 5 kg घट गया है। मेरा नाम बेला देवी है, मैं झारखंड से हूँ। मेरा घुटना में दर्द, कमर में दर्द ठीक हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया। रांची से आए हैं और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, खान पीन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम लता ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश के स्थान शिमला से हूँ और मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा। जो मुझे प्रॉब्लम थी वो थी मेरी लिगामेंट टियर हुआ हुआ था एंकल का और लो बैक पेन था, बाकी मुझे एसिडिटी और गैस थी। तो मुझे इन सब में से जो एंकल प्रॉब्लम है वो थोड़ा कुछ परसेंट फर्क है और लो बैक का काफ़ी आराम है मुझे। बाकी एसिडिटी और जो मुझे गैस्ट्रिक था उसका भी थोड़ा फर्क है और बाकी जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सभी का व्यवहार अच्छा है। मेरा दिलीप जैन नाम है, मैं बीरगंज नेपाल से आया हूँ और 5 दिन का मेरा प्रवास बहुत अच्छा रहा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, योगा, प्राणायाम, जीवन शैली, खाने पीने का सिस्टम काफ़ी दुरुस्त हो गया है और शारीरिक रूप से तो हम स्वस्थ थे। ये हेल्थ पिकनिक मनाने के उद्देश्य आए थे और वो उद्देश्य में सफल भी रहे हैं और आगे इसी को अपने दिनचर्या में कैसे व्यवस्थित करना है काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छा। मेरा नाम उदय सिन्हा है, भागलपुर से आया हूँ और मेरे आँख में बहुत प्रॉब्लम था, लहर, जो कि 100% ठीक हो गया यहाँ, और पेट प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छी रही और हल्का पैर में भी दर्द था वह भी ठीक हो गया है। मुझे त्रिपुरा से आ गया, मैं डोले रानी दास, आपको 5 दिन हो गया ट्रीटमेंट चल गया, मुझे बहुत अच्छा है, एसिडिटी कम है, बीपी नॉर्मल है, डॉक्टरों बहुत अच्छा, सब ऑल सब कुछ, फिजियोथेरापिस्ट सब कुछ अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पतंजलि में। मेरा नाम चंद्रशेखर तेजराज, मैं भोपाल MP से आया हूँ तथा घुटनों में दर्द और आँख में कैटरेक्ट के लिए आया था। मेरा घुटनों का दर्द 100% ठीक हो गया, 6-7 3-4 दिन में ही, अब 6-7 दिन बाद छुट्टी ले रहा हूँ मैं। एवं आँखों का दर्द उन्होंने पहले बताया था,
कि समय लगेगा 4-6 महीना, तो उसमें 10% मुझे फ़ायदा है कैटरेक्ट में। यहाँ की सेवाएं बहुत अच्छी हैं, उच्च स्तरीय हैं, एवं डॉक्टरों का व्यवहार एवं कर्मचारियों का व्यवहार, मालिश वालों का, सभी लोगों का बहुत कोऑपरेटिव व्यवहार है, सबका अच्छा नेचर है। यहाँ आके बहुत अच्छा विश्व स्तरीय सुख सुविधाओं का अनुभव हुआ। मेरा नाम गणेश तमंग है, मैं अरुणाचल असम बॉर्डर के हारमती से आया हूँ। मेरा शुगर का प्रॉब्लम है और सोरेसिस का प्रॉब्लम है। मैंने बहुत दिन से एलोपैथिक ट्राई किया था, तो एलोपैथिक लेता हूँ तो ठीक तो हो जाता है, फिर दवाई छोड़ने के बाद फिर शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे किसी ने बताया कि एक बार पतंजलि में जाके देखना, वो हरिद्वार पे है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। 7 दिन हो गया मेरे को यहाँ पे। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट किया और थेरेपी भी अच्छा था। तो आज मैंने फिर चेक किया तो मेरा शुगर लेवल बहुत गिर गया, जो कि कभी गिरा ही नहीं था इतना, एकदम आधा, मैंने एकदम 140-150 के पास आ गया, जबकि पहले 400 के करीब था। तो और सोरेसिस भी मेरा कम हो रहा है। तो और यहाँ का जो वातावरण भी है बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ़ सुथरा है।